वेलकम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। आज हम देखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कार्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर आप देख लें पहले। फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्क कहते कैसे हैं? आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। कोई भी पार्ट हो सकता है, जैसे ये एक पार्ट हो गया, तो आर्क हो गई पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर एक बैंगल ले, बैंगल को अगर हम तोड़ दें तो वो जो पार्ट अगर निकलता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल निकलेगा, नॉट द रीजन। या पेस्ट्री लें तो वो क्या होता है, रीजन कवर कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है, तो दैट इज सेक्टर। यहाँ पे क्या है, बैंगल ले रहे हैं तो बैंगल सिर्फ आउटर बाउंड्री को कवर करता है, तो वो अगर उसका पार्ट लेते हैं तो वो आर्क कहलाता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान है, सर्कमफ्रेंस जाना, सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर ऑफ अ सर्कल। ये क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या हो गया, हाफ ऑफ 2 पाई आर। तो हम इसके अंदर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, हाफ, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 2 पाई आर। रिड्यूस बाद में करनी है। दिस इज व्हाट, 1/4 ऑफ अ सर्कल, 1/4 ऑफ 2 पाई आर। फॉर्मूला डराइव करना आना चाहिए। अगर मैं आपको एक शेप दे दूं जो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो उसका कौन सा पार्ट है सर्कल का, मतलब अगर मैं इसको सर्कल पूरा कंप्लीट कर दूं तो ये कौन सा पार्ट है, कितना पार्ट है। अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो ये हमें पता है कि ये 4th पार्ट है, तो इसलिए 1/4। इसको कंप्लीट करता हूं तो ये मुझे पता है कि ये हाफ पार्ट है और ये कंप्लीट सर्कल है। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि एंगल पर डिपेंड करता है, यहाँ पर 90° एंगल है, तो ये हो गया 90/360, पार्ट ऑफ अ सर्कल, पार्ट ऑफ एन एंगल। तो ये हो गया 180/360 एंड ये हो गया 360/360, इसलिए 1 × 2 πr। तो इससे पता चल रहा है कि जो सेंट्रल एंगल है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर जो सेंट्रल एंगल है, अगर हम थीटा लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क का θ/360 × 2 πr। ये बहुत ही आसान तरीका है फॉर्मूला याद करने का। कुछ बुक्स में इसको रिड्यूस भी कर दिया जाता है, θ/180 πr लिखा जाता है। आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, बट मेरे को याद करने में आसानी रहती है कि एरिया ऑफ सेक्टर हो गया θ/360 πr², एरिया ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क हो गया θ/360 × 2 πr, दैट सिंपल। अब हमारा मेजर क्वेश्चन आता है, थीटा क्या है, इसे निकालें। क्वेश्चन में इतने आसानी से थीटा नहीं दिया जाता, क्वेश्चन में ऐसे नहीं दे दिया जाता सेंट्रल एंगल है 60° दे दिया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो दे दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि थीटा कैसे निकालते हैं। सो हाउ टू फाइंड थीटा, तो ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर डिपेंड करता है। आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। तो अगर वो आपको बोल दें एक सर्कल है जिसको कितने पार्ट में डिवाइड करा जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट में, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो किसी एक पार्ट का। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब जो सेंट्रल एंगल है वो भी 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो थीटा हो गया वो हो गया कितना, 360 / 8, दैट सिंपल। फॉर 2, 90, 45 डिग्री। तो आपको ये काउंट करना है कि वो सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज ये 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग इनटू 10 पार्ट्स, तो थीटा क्या हो गया, 360 / 10, तो आंसर आ गया
36 डिग्री। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, जब वो बोल देगा कि एक सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जा रहा है, तो थीटा मतलब डायरेक्टली थीटा नहीं मांगेगा, वो बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क निकालो। तो थीटा हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे सेक्टर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, उसमें भी थीटा की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है कि एक हॉर्स है जो पेग से, पेग मतलब एक डंडी हो गई या फिर कील हो गया, वो एक कॉर्नर पे टाइड है और उसका कुछ रेडियस है, तो वो इस तरीके से घूम सकता है, तो इतना एरिया वो ग्रेस कर लेगा। चलो वो तो क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, मैं पूछ रहा हूँ थीटा क्या होगा, ये कौन सी शेप है वो डिपेंड करता है। सपोज वो सेम क्वेश्चन दे दे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, वो यहाँ पर है और उसकी रेडियस इतनी है, तो वो इस तरीके से वो एरिया ग्रेस कर लेगा। तो पॉइंट ये है कि ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे कौन सी शेप है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये थीटा क्या हो गया 60 डिग्री। तो थीटा डिपेंड करता है कि वो कौन सी शेप पे है, फिक्स नहीं होता, थीटा चेंज होता रहता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान दें तो वो पूछ सकता है कि फैन की जो दो ब्लेड्स हैं उनके बीच में कितना एंगल है। तो अगर आपने फैन ध्यान से देखा हो तो इस तरीके से होता है। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से सर्कल बनाएं तो ये तीनों के तीनों मिला के 360 डिग्री बना दें, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में। तो एक का जो एंगल हो गया वो हो गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 120 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी डेली लाइफ से आ सकते हैं। एक और फेमस क्वेश्चन है जो आता है, जो अशोका चक्र में जो स्पोक्स हैं, अच्छा इन लाइन्स को, इसको रेडियस को स्पोक्स बोलता है वो, तो ध्यान रखें। तो वो जो स्पोक्स हैं उन दो स्पोक्स के बीच में जो एरिया है वो बताओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि उसकी स्पोक्स हैं कितनी, वो नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे। तो उसकी जो स्पोक्स होती हैं वो पता होना चाहिए, आप गूगल करके देखें और उसको आप आंसर निकालें और मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि कितनी स्पोक्स होती हैं अशोका चक्र में और थीटा क्या होगा उसका। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड और जो भी आपके डाउट्स हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।